टेली टॉक इंडिया पर एकता कपूर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान शेयर की अपनी हैप्पीनेस एंड फीलिंग अबाउट हर न्यू बॉर्न बेबी। बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। और जब फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आपने होल्ड किया था बेबी को हाथ में, कैसा लगा था वो मोमेंट? इतना जानना चाहेंगे पूरे लोग, जानना चाहते फैंस जानना चाहते। जी हाँ, मॉम बनने के बाद एकता कपूर ने टेली टॉक इंडिया पर फर्स्ट टाइम बात की रवि कपूर के बारे में और अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि मॉम बनने के बाद कितनी बदल गई है उनकी लाइफ। बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। और जब फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आपने होल्ड किया था बेबी को हाथ में, कैसा लगा था वो मोमेंट? इतना जानना चाहेंगे पूरे लोग, जानना चाहते फैंस जानना चाहते। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जब मीडिया ने एकता कपूर से पूछा कि उनके लाइफ में शुरू हुई न्यू लव स्टोरी यानी उनके न्यू बॉर्न बेबी के बारे में, तब क्या कुछ कहना था एकता का, आप भी सुनिए। थोड़ी प्राइवेट लव स्टोरी है, थोड़ी प्राइवेट रखना चाहती हूँ। इट्स अ न्यू बिगनिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी योर विशेस, दैट्स इट। मल्टी टास्किंग बहुत है, बट ये लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू। वेल, आपको बता दें कि 27 जनवरी को एकता कपूर के घर सरोगेसी के थ्रू बेबी बॉय आया था और एकता ने इसका अनाउंसमेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर किया जिसका नाम रावी रखा गया। और इसके बाद एकता ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी मॉम बनने की पूरी कहानी। वैसे सोर्सेस की माने तो एकता जल्द ही अपने इस न्यू बॉर्न बेबी का नामकरण सेरेमनी भी करने वाली है जिसके लिए वो बेहद एक्साइटेड भी हैं।